तो कोई भी नहीं है। फिर ये दिया और ये भागवत गीता, मोहन जी और उनकी दी हुई भागवत गीता ने हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। भाग्य बिहारी जी, कहीं आप हमें रास्ता तो नहीं दिखा रहे? उठो अर्जुन, उठाओ अपना शस्त्र, क्योंकि युद्ध ही तुम्हारा धर्म है। पराजय हो या विजय, आशा हो या निराशा, दुख हो या सुख, तुम अपना कर्म करने से पीछे मत हटो। आखिर आपने हमें रास्ता दिखाई दिया ना प्रभु। कर्म करो, तभी बाकी बिहारी जी साथ देंगे। जब बाकी बिहारी जी साथ हो तो 100 कौरवों पर 5 पांडव भारी पड़ जाते हैं, तो दामिनी जी के लिए तो हम स्वयं ही काफी हैं। सुखा दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्ध्याय योज्यस्व नैवं पामं अवप्स्यस्य। बाकी बिहारी जी कहते हैं, सुख दुख को अपना सम्मान समझकर युद्ध करो, लाभ हानि को अपना सम्मान समझकर युद्ध करो, और इस समय हमारा कर्तव्य है युद्ध करना। और अब हम अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे बाकी बिहारी जी। बाकी बिहारी जी, मैं ये दिए नहीं बुझने दूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। पर आपको भी प्रॉमिस करना पड़ेगा। क्या आप मेरे रामू और पापा को जल्दी घर भेज दोगे? ये दिए नहीं हमारी आस्था है बाकी बिहारी जी, इन्हें बुझने मत दीजिएगा। ओम राधाय कृष्णाय नमः। चाहे जितनी भी तेज हवा चले, ना हम ये दिया बुझने देंगे और ना ही मोहन भाई और राधा के वापस आने की उम्मीद छोड़ेंगे। राधे कृष्णाय नमः। बाकी बिहारी जी, हमारे राधा मोहन को जीतने की शक्ति दीजिएगा। ओम राधाय कृष्णाय नमः। हे बाकी बिहारी जी, उन्हें हर मुश्किलों से दूर रखिएगा। ओम राधे कृष्णाय नमः। प्रभु, तो हमारी बिटिया की बरसों की भक्ति का मान रखना। हे बाकी बिहारी, आपकी जय हो। ओम राधा कृष्णाय नमः। आपका कर्म था हमें रास्ता दिखाना, हमारा कर्म है लड़ाई लड़ना। जो युद्ध हमने दामिनी जी के साथ छेड़ा है, उसे मरते दम तक निभाएंगे।
क्योंकि इस युद्ध में आप हमारे सारथी हैं और हमें आप पर पूरा विश्वास है। ये मयूर हमारे आस्था का प्रतीक है और हमारी हिम्मत आप पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस युद्ध में ये मयूर पंख हमारा साथी भी बनेगा और जरूरत पड़ने पर हमारा शस्त्र भी। दामिनी जिज्जी भाग गए। भाग गई ना तुम, डरपोक कहीं की। इतनी भागा दौड़ी के बाद जब खाना मिलता है ना तो बड़ा अच्छा महसूस होता है बिटिया। हमें तो लग रहा था कि भूख के मारी हमारी जान चली जाएगी। एनीवे, क्या भक्ति रहती हो तुम हमेशा कि मोहन जी हमारे भगवान हैं, हमारा सुहाग है, वरदान है, तो फिर उसको मेरे पास छोड़कर कैसे चली गई तू? और इतनी डर गई तू मुझसे कि अपने भगवान जी को मेरे पास छोड़ के भाग गई? रन छोड़कर तो बाके बिहार जी भी भागे थे, पर धर्म की स्थापना के लिए काल नेमी का संहार करने के लिए। और हम भागे हैं दामिनी जीजी आपका संहार करने के लिए। हमारे मोहन जी को चोट पहुंचाकर आपने बहुत बड़ी गलती की है दामिनी जीजी। अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। जितना खून आपने मोहन जी का बहाया है ना, उससे ज्यादा तकलीफ देंगे हम आपको। अपने अंत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए दामिनी जीजी। हमारे हैं। अच्छा, क्या करोगे तुम? देखो राधा, अब तक ना लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच थी, लेकिन अब तो मोहन भी इस लड़ाई का हिस्सा है ना, और तुम्हारे पूरे खानदान को अगर मैं घुटनों पर नहीं ले आई तो मेरा नाम भी दामिनी नहीं। वो हालत करूंगी कि तुम मेरे पैरों पर नाक रगड़ के भीख मांगोगे उनकी सलामती की, समझी तुम? और उसके बाद मोहन के साथ तो मैं मोहन जी को क्या, क्या नहीं पूछो कैसे कैसे हैं तुम्हारे मोहन जी? हालत देखकर तो लग नहीं रहा है कि बच पाएगा बेचारा। झूठ बोल रही है, कुछ नहीं हुआ है हमारे मोहन जी को। हाँ हाँ, मैं तो झूठ बोलती ही रहती हूँ ना। याद नहीं है क्या तुम्हें, गोली लगी थी उसे।
और सिर्फ तुम्हारी वजह से राधा। आज तुम्हारी वजह से मोहन जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा। अब तो डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया। तुम्हारे प्यारे मोहन जी ना तुम्हारे बाकी बिहारी जी के पास पहुंच चुके हैं। नहीं राधा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। राधा तामनी झूठ बोलिए ताकि तुम यहां आ जाओ। राधा तुम उसकी बातों में मत रहना, उसकी बात सुनने की जरूरत नहीं। ये मोहन की आवाज नहीं है। चुप करिए आप। दूसरी बार आपने कहीं कोशिश की? भूल जाऊंगा, आप मेरी मासी है। राधा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मोहन जी आप ठीक है? मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मम्मा फोन लो ना उसे। अरे तो उसने हमें काटते हुए हमसे जो कहा तुमने सुना नहीं कि वो भूल जाएगा कि हम उसकी मौसी है? अरे चुप बैठोगी? अरे मार डाले गई हमें। मोहन जी वो चोट जो आपको लगी है। अरे मामूली सी चोट है यार, ऐसी चोट है ना बचपन में मुझे क्रिकेट खेलते वक्त लगती थी। तुम बस अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढो। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने आपको कभी अकेले मत समझना, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। बिहारी जी की बहुत कृपा है मोहन जी की, आप ठीक है। मोहन जी सुनिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी राधा आएगी, जल्दी बचाने आएंगे आपको, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक ही रहूंगा, ठीक है? अरे 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 यहाँ तू फोन छोड़ना। अरे बिटिया समझना, जैसे वो मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाएगा बात अपने आप खत्म हो जाएगी ना। छोड़ दे वरना ये पागल हो गया है, भूत सवार हो गया, उस पे हम दोनों को मार डालेगा। छोड़। अरे आप चुप बैठोगी? आवाज सुनाई नहीं दे रहा। सॉरी सॉरी, बात करो बात करो। राधा सुनो ना। हाँ हाँ जी मोहन जी बोलिए बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ खाया क्या तुमने? तुम कब से बात सुनने लगी? चालू करो। ओए राधा मेरी बीवी अगर कुछ खाएगी नहीं ना तो मुझे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। कुछ खा लो ना प्लीज। आप भी ना मोहन जी, आप बस अपना ख्याल रखिए, हमारे आपके पास। कुछ खा लो ना गर्मा गर्म। मोहन जी मारता हूं पिछवाड़े से, क्योंकि मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुम्हारी बेटी को शर्म नहीं आती क्या? सिखाया है, दांत कौन लगाता है? होठों से नहीं काट सकती थी? क्या बात करो, जान पर बनाई है तुम दोनों की, तुम्हारी और राधा की, लेकिन बात करना नहीं छोड़ता। आप भी ना, तुम भी ना, और तुझे क्या जरूरत थी शेर के मुंह में हाथ डालने की? क्या कहा तुमने राधा से? प्लीज कुछ खा लो।
बहुत फिक्र हो रही है उसकी। एक बार भी जिंदगी में कभी मुझसे पूछा है कि दामिनी तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं? अरे तुम तो भूखी मरोगी, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को, और नहीं तो क्या नर की आग में ना समोसे की तरह तले जाओगे तुम दोनों, दुनिया की सबसे बुरी बुरी बीमारियां होंगी। ये यमराज का जो भैंसा है ना वो दौड़ा दौड़ा के मारेगा तुम दोनों को, मच्छरदानी के अंदर मच्छर काटेगा, मरने के बाद चींटियां तुम पर घर बनाएगी, और पॉटी करने के बाद ना धोने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कान में चींटी घुस जाएगी, और तुम पीछे का खड़ी हो, आप सामने आओ, आप सामने आओ, आपके लिए भी देता हूँ दो चार। हे प्रभु, हमें तो लगता था कि सिर्फ निर्दोष विधवा ही श्राप दे सकती है, पर देखो देखो इसे, शादीशुदा होके भी इसे कितने गंदे गंदे श्राप देता है हमें। अरे बचपन से सुन सुन के कान फट गए मेरे आपकी ये श्रापे। आज ना माँ बेटी में से एक को तो मार ही दूंगा मैं, हल्के में मत लेना मुझे, अगर राधा मेरे लिए अपनी जान दे सकती है ना तो मैं राधा के लिए किसी की जान तक ले सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि राधा बच जाएगी? मेरी राधा को कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्या कॉन्फिडेंस है मोहन तुम में, वाओ। जेल तोड़ के भागी है वो, शूट एट साइट का ऑर्डर इश्यू हुआ है उस पे। कुछ नहीं होगा मेरी राधा को क्योंकि वो बेगुनाह है। हाँ। अरे पर तू कहाँ जा रही है इसके साथ, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही है? मासी। बिटिया। आड़ा इधर। नहीं नहीं तू काटता है। अरे नहीं काटूंगा मैं, प्रॉमिस, आओ ना। नहीं तू गंदे गंदे श्राप देता है। मासी। तुमने राधा को अपनी बेगुनाही का सबूत ढूंढने भेजा था ना मोहन, क्या यही वो सबूत है? Wait, I'll show you. तमनी नहीं। नहीं मोहन, यही पेपर लेकर तुम कोर्ट जा रहे थे ना राधा को बचाने के लिए, यही है ना वो आखिरी सबूत? ऑब्वियसली यही होगा क्योंकि लैब में तुलसी के फिंगरप्रिंट्स का और सैंपल नहीं है। अब मोहन मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं, अब तो तुम्हें पूरा सच पता ही है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ राधा के साथ नहीं है, लड़ाई हम दोनों के बीच में भी तो है। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी राधा बच जाएगी ना, तो तुम्हारी ये आखिरी उम्मीद भी मैं खत्म कर ही देती। दामिनी नहीं, नहीं दामिनी नहीं, दामिनी नहीं, नहीं नहीं दामिनी नहीं, अब उछलने से क्या होगा मोहन, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सॉरी मोहन। दामिनी नहीं, दामिनी नहीं, दामिनी दामिनी नहीं, जब तक तुलसी के फिंगरप्रिंट्स की फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम राधा को कैसे बचा सकते हैं? मुझे इतना कमजोरी क्यों महसूस हो रहा है, और ये चक्कर, बेहोश हो गया, बेहोश हो गया।
बैठ ले हाथ थोड़ा, बाकी का खाना भी खत्म कर ले, वरना कोई भरोसा नहीं कल मिले ना मिले, पागल लोग सब। मोहित, ये लो इसमें डिटेल्स डालो, अपना फोन ट्रेस करो, देखो राधा कहाँ है। जल्दी करो। राधा एग्जैक्टली वहीं जा रही है जहां से जाना चाहिए, अपनी मौत के पास। टाइम आ गया है थर्ड डिग्री शुरू करने का। इस बार ऐसा वार करूंगी कि राधा खुद चलकर मेरे पास आएगी।